हाई एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्ट स्टार हो आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है आई होप आप सब खुश हो हेल्दी हो अपना ख्याल रख रहे हो सो लेट एस सी हीयर साजेज वॉट इज कमिंग फॉर यू गाइज दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी जेनरल रीडिंग जितना रेजनेट करे बस उतना ही लेना है कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स बिल्कुल भी नहीं करना है ओके okay? एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं लेट्स सी हीयर वॉट इज कमिंग फॉर यू गाइज okay okay august second half for my sages out there okay interesting

द सबसे पहला चीज़ जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है साज इज़ दैट कि कोई चीज़ है जो आप ना किसी बाउंड्री लाइन से बाहर जाके कर रहे हो लाइक यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू कि आप मान लीजिए आप बहुत काइंड हार्टेड है बट आप काइंड हार्टेड है ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को हेल्प करते हैं या आप समाज को सेवा देते हैं आप एनिमल्स को सेवा करते हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन आप ऐसे लोगों का भी जाके सेवा करने लगते हैं जो उल्टा आप पर ही भारी पड़ते हैं जो उल्टा उस सेवा का लाभ उठाकर आपको ही फंसाने की कोशिश करते हैं आपको समझना होगा दैट हर चीज़ का एक लाइन होता है एक बाउंड्री वॉल होता है एंड उस बाउंड्री वॉल को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है आप जो कर रहे हो वो गलत नहीं है बट कहाँ कहाँ कर रहे हो किस किस के लिए कर रहे हो ये समझना जरूरी है लाइफ में सो so, अगर आप किसी के लिए बुरा भी कर रहे हो किसी का बुरा कर रहे हो तो आप किसका कर रहे हो कहीं अपने लोगों का लाइक बेसिकली यू आर नॉट बैलेंस्ड आपका माइंड बैलेंस्ड नहीं है आई एम नॉट जजिंग यू मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप अच्छा कर रहे हो आप बुरा कर रहे हो वो आपके ऊपर है बट आप जो भी कर रहे हो वो आप एग्जैक्टली exactly उन जगहों पे नहीं कर रहे हो जहां पे करना चाहिए आप बहुत से जगहों पे कर रहे हो ओके okay? so, सबसे पहला चीज जो है आपको समेटना है चीजें क्योंकि आपने ऑलरेडी आई फील लाइक अपने आप को ओपन करके रखा है ऐसे चीज़ों के लिए ऐसे लोगों के लिए जो बस आते हैं आपको लूट कर चले जाते हैं जो काइंड kind ऑफ़ of आपको टेकन फॉर ग्रांटेड करके रखे हैं जिन्हें लगता है कि आप तक एक्सेस पाना बहुत आसान है या आपको आप तक पहुंचना बहुत आसान है एंड यूनिवर्स इसी चीज़ को मना कर रहे हैं कि कुछ भी करो बट पहले तो इस खुले दरवाजे को बंद करो पहले इस एनर्जी को बंद करो कि मैं एक खुली किताब हूँ मैं एक महान आत्मा हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ सबके लिए करूँगा करूँगी मैं अब नहीं करो, बिकॉज अपना ही नुकसान कर रहे हो यू हैव टू आइडेंटिफाई द राइट काइंड ऑफ एनर्जीज आप हर एक चीज़ को एक ही नज़र से जज नहीं कर सकते एक बंदर पे पेड़ पे चढ़ जाएगा बहुत जल्दी पर एक हाथी को आप पेड़ पे चढ़ने बोलो वो नहीं चढ़ पाएगा तो आप यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप किसे क्या कौन सा काम दे रहे हो या आप किसको कितना किस बेंच से आप जज कर रहे हो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप सबको एक ही नज़र से जज कर रहे हो कि अरे ये नहीं कर पाया तो ये फालतू है ये कर पाया तो ये अच्छा है ये हो पाया तो ये अच्छी बात है नहीं हो पाया तो ये गलत बात है बट आप रीजनिंग तो देखो लाइक वजह रीजन लॉजिक बेंच मार्क्स ऑल्सो एक चीज है कि आप अपने आप के बारे में सोचते नहीं हो एटलीस्ट अभी तो सोच नहीं रहे हो यू आर लाइक बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी है आपकी साजिश आपको यहाँ क्या चल रहा है वो ठीक करना है आपको वहाँ वो काम ख़त्म करना है आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है लाइफ में सो देर इज सो मैनी थिंग्स जो आप कर रहे हो ओवरवेलम्ड एनर्जी है आपने ऑलरेडी अपने हाथों में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखा है जो शायद आपको नहीं लेना था या वट ले, ले लिया है रेस्पॉसिबिलिटी तो कुछ कर नहीं सकते बट खुद को वो नरिशमेंट देना इक्वली इंपॉर्टेंट है जब तक आप खुद को नरिश नहीं करोगे आप लोगों को भी नरिश नहीं कर सकते या विदाउट योर ओन नरिशमेंट आप कोई भी काम को हाथ लगाओ तो उसमें आपको एकदम से सक्सेस नहीं मिलेगा आप खुद खाली हो लेकिन आप दूसरों को भरने चले हो आप खुद मुरझा रहे हो लेकिन आप दूसरे पौधों में पानी देना देना चाहते हो पहले अपने आप को पानी दो ऑल्सो कुछ साज़ेस है यहाँ पे जो कुछ जेनरेशनल ट्रॉमा, जेनरेशनल करसिस को ब्रेक कर रहे हैं उनके लिए ये ऑगस्ट बहुत पेनफुल रहेगा या बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहेगा बट नॉट इन अ वेरी बैड वे डिस्टर्बिंग इन द सेंस मेंटली, कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे होंगे आपके लिए क्योंकि कुछ पैटर्न्स, जेनरेशनल पैटर्न्स एंसेस्ट्रल पैटर्न्स जो आप फाइनली ब्रेक करने वाले हैं कुछ जो आप ब्रेक करने वाले हैं या तो आप कुछ ऐसा काम करने वाले ऐसा डिसीजन ले रहे हो जो मे uh, बी आपको सबके अगेंस्ट जाके लेना पड़ रहा है या कोई ऐसा चीज़ जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लड़ाई करके वो चीज़ करना पड़ रहा है या uh, आपका जो बिलीफ्स है आपका जो आइडियोलॉजी है काइंड kind ऑफ of उसमें आपको टिका रहना होगा मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल ठीक है आपका सोल पर्पस है कि आप एनिमल्स की मदद करेंगे तो मे बी आप बाहर कुछ एनिमल्स को खाना देते हैं ठीक है एंड उसमें बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होता है आपके आसपास के लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है कि आप क्यों खाना दे रहे हैं या आप क्यों ऐसा करें वैसा करें वॉट एवर एंड सिंस ये आपका पर्पस है लाइफ पर्पस है ये तो इसके लिए आप फाइट कर रहे हो इसके लिए आप आवाज़ उठा रहे हो क्योंकि ये आपका ओपिनियन है क्योंकि आपका पर्पस है क्योंकि आपका इनर कॉलिंग है क्योंकि ये आपके हिसाब से सही है तो आप कर रहे हो करना चाहिए इसलिए आप कर रहे हो पर क्या ये आसान है करना नहीं तो दिस इज़ द कॉन्फ्लिक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप देखोगे कि चीज़ें करने में आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती है आप अच्छा काम करने जा रहे हो चार लोग आपको पीछे रोक रहे हैं आप अच्छा काम करने जा रहे हो आप अपना ओपिनियन सामने रख रहे हो तो दस लोग उस ओपिनियन को अपोज़ कर रहे हैं पर ये आपका एग्जाम है ये आपका टेस्ट है कि दस लोग अपोज़ कर रहे तो क्या आप हार मान रहे हो दस लोग अपोज कर रहे तो क्या आप उन्हीं दस लोगों में अपने आप को भी शामिल करने के बारे में सोच रहे हो या आप अपने लिए खड़े उतर रहे हो या आप अपने लिए वो जंग लड़ रहे हो ये है आपका काइंड ऑफ लेसन बोलो या सिचुएशन वॉट क्योंकि आपको खड़ा उतरना है आपको अपने लिए खड़ा होना है आपको अपने ओपिनियंस अपना कर्मा अपना लाइफ पाथ अपना जो भी है इनर कॉलिंग इनके लिए आपको लड़ना है क्योंकि इस बार अगर आप नहीं लड़ते हो तो ये साइकिल यहाँ पे एंड नहीं होगा ये फिर से एक और रूप लेके रिटर्न होगा ये सिचुएशंस वहाँ पे आपको फिर लड़ना होगा सो इट्स बेटर यू डू दिस वंस एंड फॉर ऑल ओके आपके करियर में भी आई सी हीयर दैट दर इज़ अ लॉट ऑफ जजमेंट्स या क्रिटिसिजम जो आप खुद ही कर रहे हो यू आर जजिंग अ सिचुएशन करियर वाइज जो जिसमें जजमेंट ही शायद नहीं होना चाहिए या आप कंपैरिजन कर रहे हो अपने आप को किसी ऐसे ऐसे इंसान से जिसके साथ आपका कोई आप दोनों के जर्नीज़ बहुत अलग है या कोई वैसा कुछ कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए बिकॉज आई सी आप एक ऐसे आप काइंड ऑफ डे ड्रीम कर रहे हो कुछ लोग यहाँ पे करियर सिचुएशन को लेके फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके आप सोच रहे हो ऐसा क्यों नहीं है मेरे पास वैसा क्यों नहीं है आपको यहाँ पे दो चीज़ देखना है नंबर वन ये जो भी आप डिज़ायर कर रहे हो डे ड्रीम कर रहे हो जिस चीज के बारे में क्या वो पाना मुमकिन है अगर आपका आंसर हाँ है तो आप ये सोचो कि आप उसे कैसे पा सकते हो ये नहीं कि कब मिलेगा मुझे क्यों नहीं मिल रहा है मुझे अगर मिल सकता है पॉसिबिलिटी है तो सी दैट आप इस गैप को कैसे ब्रिज कर सकते हो लाइक अभी आपके पास ये नहीं है लेकिन आप फ्यूचर में अपने आप को इस जगह देख सकते हो तो ये जो गैप है अभी से फ्यूचर तक इसको आप कैसे भर सकते हो अपने एक्शन से अपने इंटेंशन से आप वो देखो और अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है कभी भी मुमकिन नहीं है तो आप इसके पीछे इतना टाइम ज़ाया मत कीजिए आप इसके पीछे इतना एनर्जी मत दीजिए बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट ये एनर्जी आप किसी और, की चीज़, और चीज़ के पीछे लगा सकते हैं जहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा रिवॉर्ड्स मिलेंगे क्योंकि करियर में आप कुछ ऐसी डिसीजनज ले रहे हो ऐसी चीज़ें कर रहे हो ऐसे कंपेरिजन जजमेंट वॉट एवर कि आप खुद ही सुकून में नहीं हो आप खुद ही अपने आप से खुश नहीं हो क्योंकि आप कुछ अननेसेसरी या एबनॉर्मल किस्म का एक्सपेक्टेशन या एबनॉर्मल किस्म क्या किस्म का यू नो माइंडसेट लेके चल रहे हो एंड इसमें कोई और शामिल नहीं है ये आप खुद ही अपने साथ कर रहे हो आप रियलिटी को छोड़ के कहीं और नहीं जा सकते आपको रियलिटी से एक रास्ता बनाना होगा आपको लग रहा है रियलिटी को स्किप करके क्या मैं पॉइंट ए में जा सकता हूँ नहीं आप रियलिटी से आपको पॉइंट ए तक का रास्ता बनाना है आपको एक सफ़र तय करना है तब आप पहुँच सकते हो आप स्किप करके ऐसे नहीं पहुँच सकते कहीं पर भी क्योंकि आप हो तो रियालिटी में आप तो हो इंसान आप तो लाइक like, टाइम को जंप करके नहीं जा सकते फ्यूचर में तो वो सोचिए लॉजिकली दैट दिस इज़ माय रियलिटी पहले तो एक्सेप्टेंस आनी चाहिए कि दिस इज़ माय रियलिटी एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट तो फिर आप रास्ता बनाओ किसने रोका है आपको आप करो जो करना है आपको टेक द एक्शन दैट इज़ नीडेड टेक दोज डिसीजनस मेक द प्लान मेक द स्ट्रैटी ओके सो बेसिकली दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू साजेस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई होप दैट ही आपको अच्छा लगेगा रेजनेट करेगा थैंक यू सो मच वंस अगैन अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू हीयर एंड आई सी यू अगैन इन अना द रीडिंग टिल दैन है वेरी गुड ऑगस्ट एंड टेक केयर गॉड ब्लेस यू गुड बाय